पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद संबल के बजोई में अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन महिला शाखा द्वारा दो निर्धन कन्याओं का विवाह जयंती प्रसाद की धर्मशाला में किया गया, जिसमें निर्धन कन्याओं के विवाह संबंधी सारे कार्यों को समारोह पूर्वक किया गया। सर्वप्रथम सारे बरातियों का स्वागत फूलमाला और बैंड बाजों के साथ किया गया तथा जयमाला की रस्म निभाई गई। दावत के बाद फेरों की रस्म संपन्न हुई। वर वधु को नई गृहस्थी सजाने के लिए गृहस्थी उपयोगी सारा सामान दिया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता ने कहा कि उनकी संस्था के द्वारा नेक काम करते हुए उनकी सभी सदस्यों को बहुत खुशी महसूस हो रही है और उनकी संस्था आगे भी इसी प्रकार के समाज हित के कार्य करती रहेगी। नगर अध्यक्ष ममता वार्ष्णेय ने बताया कि पुत्री न होने के कारण शुरू से ही उनके मन में ये कामना थी कि वह निर्धन कन्याओं का विवाह करें और जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता के प्रेरित करने पर उन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया। शहर के गणमान्य नागरिकों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वर वधु का आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी अवनीश कृष्ण सिंह एवं एसपी यमुना प्रसाद ने वर वधु का आशीर्वाद दिया। इसमें बस यही कहूंगी कि बहुत एक्साइटेड हूं कि हम लोग एक दो जोड़ों का विवाह कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं और बेटियाँ तो हमारे थी नहीं, हमारी और हमारी नगर अध्यक्ष ममता जी की, और हम लोगों ने बातचीत कर रहे थे हम लोग फ़ोन पर ऐसे ही एक दिन, तो ये भी बोल रही थी कि मेरे भी दो बेटे हैं और मैं बोल रही थी मेरे भी दो बेटे हैं और बेटियां नहीं हैं, तो हम लोगों ने ऐसी बातों बातों में डिसाइड किया कि हम लोग जो है क्यों ना बेटियों की शादियां कराएं उन बेटियों की जो निर्धन हैं और हम लोग अपना सारा जो मन का जो भी है कि बेटियों की शादी में क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें हम लोग पूरी कर सकें, तो इसलिए हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया और ये वाला कार्यक्रम हम लोगों ने सहमति ली। अपनी जो भी सदस्याएं थी वो लोग भी बड़ी खुशी से राजी हुई और हम लोगों ने ये एक कार्यक्रम निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह जो है किया। क्या ना ये है कि हमारे पास बेटियां नहीं हैं, बेटे हैं, तो हमने सोचा कि भाई जो बेटियों की शादी करवा दी जाए, कन्यादान ले लिया जाए। आज तो दो शादियों के हमने कराई हैं, बेटियों की शादियाँ कन्यादान किया है, भविष्य में आगे 11-15 जो भी होगा वो करेंगे। यही है कि हमने सोचा कि भाई निर्धन कन्याओं का कुछ किसी का हो जाए भला तो बढ़िया है। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि वो मेरे पास आएँ और मैं निर्धन कन्याओं की शादी ज़रूर कराऊँगी उनकी, जो बिल्कुल गरीब हैं और उन पे पैसों की कमी है, तो मैं ये चाहूँगी कि वो मेरे पास आएँ और मैं उनकी बेटियों की शादी कराना चाहती हूँ। और बेटियों से मुझे शुरू से लगाव रहा है, पर बस मैं मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी और मन में यही चाहती कि मैं बेटियों की शादी करूँ, तो मैं इस माध्यम से अपनी शाखा के माध्यम से बेटियों की शादी कराना चाहती हूँ।